चरोदा बस्ती के प्राचीन कुआं से देव बलोदा कलचुरी कालीन शिव मंदिर के लिए निकली कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल शामिल रहे। वहीं महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में हजारों कांवड़ियों के साथ पैदल देव बलोदा पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। चरोदा बस्ती से प्राचीन कुआं से देव बलोदा तक आज विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल और महापौर निर्मल कोसरे के साथ भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के पूरे 40 वार्ड के शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के नेता, अनेक पार्षद और जन प्रतिनिधियों ने भी इस कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर महादेव और बोलबम का जयकारा पूरे रास्ते भर गूंजता रहा। चैतन्य बघेल और महापौर निर्मल कोसरे ने हजारों महिलाएं एवं पुरुष कांवड़ियों के साथ धोती व कुर्ता का पारंपरिक परिधान पहने कांवड़ उठाकर देव बलोदा का सफर पैदल तय किया। कांवड़ यात्रा का चरोदा हनुमान मंदिर, स्टेट बैंक, पंसिल नगर, पद्म नगर, सीए हाउस के पास स्वागत किया गया। सिरसा चौक पर कांवड़ियों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई थी। सिरसा चौक से अंडरब्रिज होते हुए जी केबिन पहुंचने पर कांवड़ियों का स्वागत हुआ। यहां के देव बलोदा पहुंचकर प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करने के बाद भोग वितरण किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर महापौर निर्मल कोसरे ने अपनी प्रतिज्ञा दी है। सावन का पावन महीना चल रहा है, आज सावन सोमवारी का तीसरा सोमवार है। हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों के, भिलाई चरोदा वासियों के अमन शांति खुशहाली के लिए ये कांवड़ यात्रा प्राचीन कुआं से हम प्रारंभ कर रहे हैं और ये प्राचीन शिव मंदिर देव लौदा तक जाएगी। माननीय चैतन्य बघेल जी हमारे साथ हैं और पूरे हमारे शहर के काफ़ी मात्रा में भाई और बहन शामिल है। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सदैव सदैव लोगों का इसने आशीर्वाद बना रहे, अमन शांति खुशहाली बना रहे, यही मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ। बहरहाल इस अवसर पर चैतन्य बघेल ने महापौर और उनकी पूरी टीम को सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है, साथ ही देश प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।